हेलो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा डी या चांदे की सहायता से कोण कैसे बनाए। हमें डी डी आपको पता है कैसा होता है? डी होता है ऐसा। कैसा होता है? ऐसा होता है डी। इसको हम डी बोलते हैं। इस वजह से देखो, डी की जैसी आकृति है ना इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। हम तो ग्रामीण स्कूल में पढ़े हुए हैं और हमें तो पहले इसका नाम पता भी नहीं था कि इसको डी बोलते हैं। हमें तो इसको चांदा बोलना सिखाया था। क्या? चांदा। अब हमें पता नहीं चांदा क्यों बोला, लेकिन बाद अब हमें ये तो पता है इसको चांदा क्यों बोला होगा, क्योंकि जो अर्धचंद्राकार इसकी डिज़ाइन है, इस वजह से इसको चांदा बोल दिया गया होगा। तो हमने तो भाई साहब इसको चांदे के नाम से ही प्रेम कर रखा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? चांद हो गया। तो डी या चांदे की सहायता से कोण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आओ सीखते हैं डी या चांदे की सहायता से कोण कैसे बनाए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड बना लेंगे। जैसे मैंने ये एक रेखाखंड बना लिया। ध्यान से समझना इस चीज को, नाम दे दिया मैंने इसको पी क्यू रेखाखंड। अब मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे डी की सहायता से या चांदे की सहायता से बिंदु पी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो बच्चों मैं क्या करूंगा, डी को ड्राइंग बॉक्स में से निकाल के और इस कॉपी पे ला के रख लूंगा। रखने के बाद अब मैं इसको कहाँ पे रखूं कि मेरा जो कोण है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस डी को पहले तो सही तरीके से पढ़ूंगा। डी में दो चीज़ें दे रखी हैं। एक चीज़ तो ये कि डी में बीच में बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह एक चित्र दे रखा है। यहाँ पे ये आधा सूरज है और इससे ये किरणें निकल रही है। कहने का मतलब जैसे ज़मीन से थोड़ा सा नीचे रहता ना सूरज, जैसे सुबह उगता हुआ सूरज देखते हो ना आप, तो वो थोड़ा सा पहाड़ों की वजह से हमें दिखता नहीं है, आधा पड़ता दिखता है, आधा ज़मीन के ऊपर नज़र आता है। तो इस प्रकार से नज़र आता है हमें सुबह का सूरज उगता हुआ, अगर आप देखोगे तो कभी। अब आप कभी उठते तो हो नहीं जल्दी, तो आपने सूरज कभी देखा नहीं। तो हम क्या करेंगे डी की सहायता से, तो हम क्या करेंगे, पहले डी को पढ़ना समझेंगे कि डी को पढ़ते कैसे हैं, किस प्रकार से हम डी को काम में लेते हैं। तो ये सूरज की किरणों की तरह यहाँ पे हमारे पास एक चित्र बना हुआ है। इधर जीरो से स्टार्ट है, जीरो, दस, बीस, तीस, चालीस और यहाँ 90 है और आगे कहाँ तक है, 180 तक। ये तो हमने बाहर वाली लाइन देख ली। अब हम अंदर वाली लाइन पर भी गौर करेंगे। अंदर वाली लाइन इधर जीरो से शुरू है और इधर जीरो से शुरू होकर यहाँ बीच में 90 और यहाँ अंतिम चरण में 180 डिग्री पर है। तो कहने का मतलब यहाँ से भी जीरो से शुरू होकर 180 डिग्री तक लाइन जा रही है और इधर से अंदर की तरफ भी जीरो से शुरू होकर 180 डिग्री तक लाइन आ रही है। तो हम कौन सी लाइन को कब काम में लेंगे, हमें इसमें से कौन सी लाइन को कब काम में लेंगे? अगर हमें बाहर की तरफ कोण बनाना है तो कौन सी लाइन काम में लेंगे, अंदर की तरफ कोण बनाना है तो कौन सी लाइन काम में लेंगे? तो मैं मुझे जैसे किसी ने कहा, मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर आप हमें पहले 90 डिग्री का कोण बना के बताओ दोनों भुजाओं, दोनों बिंदुओं पे, बिंदु पी पे और बिंदु क्यू पे। तो मैं डी को लूँगा और डी को लेके मैं डी का जो ये भाग है ना, इस भाग को मैं जो शीर्ष बिंदु स्टार्ट हो रहा है जहाँ से बिंदु का शीर्ष है, मैं उस बिंदु से इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिला दूंगा और इसे रख दूंगा। अब ये जो मैंने रेखाखंड खींच रखा है, इस रेखाखंड पर ये जो जीरो वाली लाइन है इसको मैं बिल्कुल सिद्ध में कर दूंगा, यानी कि पी बिंदु पर जो 90 डिग्री वाला जो लाइन है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी नज़र आनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये जो रेखाखंड है वो बिल्कुल जीरो वाली लाइन के सटा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, ये इस तरफ जीरो वाली लाइन पे सटा हुआ है और ये बिल्कुल 90 डिग्री से सिद्ध में नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे रखते ही यहाँ पे 90 डिग्री जो दे रखा है ना वहाँ पे एक बिंदु क्लिक कर दूंगा और बिंदु क्लिक करके मैं बिंदु को, मैं एक रेखाखंड बनाकर दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा। इस प्रकार हमारे पास पी पर 90 डिग्री के कोण का निर्माण हो जाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाना हमारे लिए सबसे आसान काम है। अगर मैं क्यू बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो मैं इसके लिए भी ऐसा ही करूंगा। इसका जो क्यू बिंदु है ना, उस क्यू बिंदु पे मैं इस डी के बिल्कुल यहाँ पे इस मध्य बिंदु को ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट जमा लूंगा और ये जो इधर लाइन आ रही है इसको मैं बिल्कुल जीरो वाली लाइन पे ले लूंगा। ये जीरो वाली लाइन है ना, इस लाइन के बराबर में बिल्कुल ऊपर रख दूंगा और फिर मैं एग्जैक्ट ऐसे कि ऐसे ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, तो मैं इसको लाइन खींच कर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर निर्माण कर दूंगा।
अब बच्चों इसमें जो समझने वाली बात है मुख्य रूप से वो ये है कि ये हमें डी तो दे दिया, लेकिन सर अब आप हमें एक चीज बताओ, जैसे हमें अब इस पी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण पूछ लिया, तो 60 तो सर इस तरफ भी दे रखा है और हमें इस लाइन में इस तरफ भी दे रखा है, तो इन दोनों में से कौन सा कोण मान्य होगा? तो इसकी आपको विशेषतया जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये जो 60 डिग्री का कोण पी बिंदु पर बनेगा, यानी बाईं तरफ से जो बिंदु हमने पी लिया है उस तरफ से हमें 60 डिग्री का कोण का निर्माण करना है, तो वो इस 60 पे बनेगा या फिर इस 60 पे बनेगा, ये हमें मालूम होना जरूरी है। तो बताओ देखिए, किसी को पता है क्या ये 60 डिग्री का कोण किस तरफ बनेगा? जैसे हमने प्रकार लिया, ठीक है, कंपास लिया, और कंपास को अगर मैं पी बिंदु पर आपसे कोण का निर्माण करवाऊं कोई सा भी, तो आप पी बिंदु पर चाप किस तरफ काटोगे? यहां से लेके और पहले इस तरफ चाप काटोगे, इस तरफ से ही काटोगे ना, इस प्रकार से आप चाप काटोगे। अगर चाप दाएं से शुरू होकर बाईं तरफ आ रहा है तो हमें कौन से अंक काम में लेने हैं डी के? अगर चाप दाईं तरफ से शुरू होकर बाईं तरफ आ रहा है, ठीक है ना, दाईं तरफ से शुरू होकर चाप बाईं तरफ आ रहा है, तो हम डी के कौन से तरफ के कोणों का निर्माण करेंगे? तो हम डी पर जो कोण काम में लेने वाले हैं ना, वो 90 डिग्री से इधर तो सारे छोटे कोण होंगे और 90 डिग्री से इधर सारे बड़े कोण होंगे, और लाइन कौन सी काम आएगी? अंदर वाली लाइन काम में आएगी। तो मुझे अगर पी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है तो मैं जो अंदर वाली लाइन है ना वो काम में ले लूँगा, क्योंकि जीरो तो यहीं से शुरू होकर आ रही है ना। हम किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से करते हैं? शून्य से ही करते हैं, बीच में से थोड़ी कर देते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत शून्य से करनी होती है, आधार से करनी होती है। तो इस चाप की अगर हम बात करें जो हमने पी बिंदु पर बनाया है, तो ये पी बिंदु जीरो पे इधर से तो स्टार्ट होगा ना, तो इधर इस लाइन पे हम जीरो देखेंगे ना, यहाँ तो 180 है और यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब जीरो यहाँ पे आ रहा है, तो हमें ये लाइन अंदर वाली लाइन काम में लेनी है, और इधर तो सारे कोण 90 डिग्री से छोटे बनेंगे और इधर सारे कोण 90 डिग्री से ज़्यादा के बनेंगे, तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री पे अंकित करके और इधर इस लाइन को खींच दूँ ना, तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? पी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि मुझे पी बिंदु पर आप 130 डिग्री का कोण बना के बता दो, तो आप क्या करोगे? आपने चाप तो पहले काट ही रखा है, और लाइन कौन से काम में लेनी है? अंदर वाली काम में लेनी है। अंदर वाली क्यों काम में लेनी है? क्योंकि हमें हमेशा जीरो से शुरुआत करनी होती है। अगर चाप इस तरफ घूम के कट रहा है, दाईं से बाईं तरफ कट रहा है, तो हम यहाँ से जीरो शुरू करेंगे, और जीरो से शुरू होकर 130 डिग्री किधर आ रहा है? यहाँ पे 130 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? इधर 130 डिग्री का कोण बनाएगा, तो मैं पी बिंदु को इससे मिला दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। और अब अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि मुझे क्यू बिंदु पर अब कोणों का निर्माण करना है, अगर मैं क्यू बिंदु पे 60 डिग्री का कोण बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा? डी रखना आपको आ ही गया होगा, डी मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल 90 वाली लाइन में सिद्ध में, ये लाइन तो जीरो पे और ये लाइन बिल्कुल 90 की सिद्ध में मैंने रख ली। 90 की सिद्ध में नहीं रखनी है, 90 तो कोण डिग्री मैंने बना दिया है इसलिए आपको पता लग रहा है, तो मैं बिल्कुल इस बिंदु को इस जहाँ पे ये दोनों आगे क्रॉस कर रहे हैं ना, नीचे जो बिंदु आएगा हमेशा वो डी के बिल्कुल इस वाले टी पॉइंट वाले बिंदु पे आ जाएगा। अब मुझे जैसे यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाना है, अगर मैं इस पे आपको प्रकार से चाप काटूँ तो चाप प्रकार से चाप किस तरफ कटेगा? मैं यहाँ पे रखूँगा प्रकार को और चाप इस तरफ कटेगा, यहाँ से इस तरफ ही कटेगा ना चाप, इस प्रकार से शुरू होगा और इस प्रकार तक एक चाप कट जाएगा। अगर चाप बाएं तरफ से दाएं तरफ कट रहा है, यानी कि बाएं तरफ से शुरू होकर दाएं तरफ जा रहा है, इधर से शुरू हुआ और इधर जा रहा है, क्योंकि इधर से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि जीरो तो यहाँ पे एग्जैक्ट इधर ही तो है ना, अब उधर का तो हमें काम में लेना ही नहीं है, हमें तो जीरो यहाँ का देखनी है, तो जीरो यहाँ पे देखनी है, तो जीरो बाहर वाली लाइन पे है या अंदर वाली लाइन पे है? अरे सर यहाँ पे तो बाहर वाली लाइन पे जीरो है, तो हम बाहर वाली लाइन काम में ले लेंगे। तो बाहर वाली लाइन काम में लेने के लिए मैंने 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो मैं इस बिंदु पर क्लिक करके और 60 डिग्री का कोण बना दूंगा। अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो 120 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? आपने कहा कि सर 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए इधर जीरो से शुरू हुए और जहाँ पर 120 है, जीरो कहाँ है? बाहर वाली लाइन पे है,
जीरो, दस, बीस, तीस, चालीस, यहाँ 90 और यहाँ कितना आ गया 120 डिग्री। इस बिंदु पर क्लिक करके मैं उसकी बिंदु को इधर बाहर की तरफ मिला दूंगा। इस प्रकार हमने 120 डिग्री का कोण बना लिया है। अब आपको डी की सहायता से जितने डिग्री का भी कोण बनाना है, आपको डी की सहायता से जितने भी डिग्री का कोण बनाना है वो आप कोण बना सकते हो। इस डी में जो अंतराल रहता है ना एक अंक से दूसरे अंक के बीच में, वो 10 से स्टिक का अंतराल रहता है। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे एक छोटा बिंदु बीच में नजर आ रहा है जिसको थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, वो हमेशा 5 काउंट करके रखता है, 5 बिंदु काउंट करके रखेगा। फिर उसके आगे 10, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 35, फिर 45, फिर 50। इस प्रकार से हम डी की सहायता से किसी भी कोण का निर्माण कर सकते हैं। आपको छोटा सा मैं एक और कोण बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो क्यू बिंदु पर मैंने आपसे पूछा कि सर आप तो हमें 35 डिग्री का कोण बना के बताइए, तो बच्चों जीरो किधर है ये देखो पहले। सर जीरो यहाँ पे इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर से स्टार्ट करके 35 डिग्री का कोण, जैसे 30 यहाँ पे आ गया, 31, 32, 33, 34, सॉरी थोड़ा सा बड़ा है ना इन सब में, यहाँ पे 35 डिग्री कोण आ जाएगा। और मैं इसको यहाँ से क्यू तक मिला दूंगा तो ये कितने डिग्री का निर्माण करेगा, 35 डिग्री का निर्माण करेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को डी या चांदी की सहायता से कोण बनाना समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।